गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम चित्रा मैम। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर बच्चन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज ऑफ क्लास 4। बच्चों आज अपन लोग थर्ड चैप्टर जो संज्ञा था उसका भी पार्ट है बच्चन, उसके बारे में जानेंगे। बच्चन क्या होते हैं अब आप जानेंगे। बच्चन कहते हैं जब शब्दों से जिस रूप से एक या अनेक चीज़ों का पता चलता है कि ये एक चीज़ है या अनेक चीज़ है तो उन्हें बच्चन कहते हैं। जैसे चिड़िया बैठी है, ये क्या है, एक चिड़िया है ना, तो ये क्या हुआ, एक बच्चन। और यदि बहुत सारी होंगी, चिड़ियाएँ बैठी हैं, ये देखिए बहुत सारी हैं, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। चिड़िया बैठी है, ठीक है, ये क्या हुआ, बहुवचन। अब ये बच्चा एक गुब्बारा लिया है तो क्या कहेंगे, ये एक है तो ये एक बच्चन हुआ। एक लड़की बहुत सारे गुब्बारे लिए है तो ये क्या हुआ, बहुवचन। इससे आप मालूम पड़ जाता है कि वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यदि वचन से हमको ये मालूम पड़े ये एक चीज़ है तो ये एक वचन में आता है, और यदि शब्द से ये मालूम पड़े ये एक से अधिक है, दो है, तीन है, पाँच है या दस है, कुछ भी है, अधिक है, तो ये बहुवचन कहलाता है। एक से अधिक बहुवचन होता है, और यदि एक होता है तो एक वचन होता है। थैंक यू एवरीवन।